कल्पिता, आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मेखला चादर पेंटिंग, ठीक है। इसमें मैंने फैब्रिक किया है, आप लोग वीडियो में पूरा डिटेल्स में देख लीजिएगा। और यही है वो चादर मैंने लेके रखा है, ये देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। ये कपड़ा जो है ये कुछ कॉटन कपड़ा नहीं है, ये थोड़ा चादर का जो मटेरियल है इसमें थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट भी है। और मैं दिखाती हूँ जो मेखला का कपड़ा है, इसमें मेखला का जो कपड़ा है मेखला में भी थोड़ा सा इसमें ग्लेज है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट आइडियाज़ मेरे चैनल पे आने ही वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन हो लिया है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने ये कपड़ा को धो लिया है और इसका जो भी स्टर्स था स्टर्स को निकाल लिया है। ये फर्स्ट स्टेप फैब्रिक पेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका प्रिंटिंग को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अभी मैं ले रही हूँ 4 नंबर का कैमलिन का ब्रश और मैंने कपड़ा को ऑलरेडी फ्रेम में लगा लिया है। अभी देखिए, अभी मुझे कलर करना है, लेकिन कलर करने के पहले मैं कलर को थोड़ा सा प्लेट में निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा मीडियम मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कलर बहुत ठीक था। इसके लिए मैं आप लोगों को दो टाइप का कलर करके दिखाऊंगी, एक मीडियम के साथ इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, दूसरा बिना मीडियम से क्या होता है। ये देखिए, मैंने मीडियम यूज़ करके किया है ये वाला कलर और इसमें थोड़ा सा कलर आपका हल्का आ रहा है। मीडियम यूज़ करने से ब्रश तो अच्छे से चल जाता है, लेकिन इसका जो डेजलिंग है, जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, कलर का इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये कलर थोड़ा हल्का हो रहा है और मैंने ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से फ्री हैंड रोज़ बनाने के लिए ट्राई किया है। अभी देखिए, मैं इसमें मीडियम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इसमें पहले मैंने एक सी जैसा बना लिया है, फिर राइट साइड से मैंने एक उल्टा सी बना लिया है, देखिए, फिर लेफ्ट साइड से फिर एक सी बनाया है, बहुत ही सिंपल है। फिर ऊपर से एक सी बनाया है, एक नीचे से सी बनाया है, ये सब एक एक पेटल्स जैसा दिखाऊंगी, ठीक है। फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट, फिर ये दोनों के ऊपर में जॉइन, लेफ्ट साइड में, नीचे का लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड। बहुत ही सिंपल है, कोई भी आसानी से कर सकता है इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये चादर का लुक थोड़ा और एनहेंस करने के लिए मैंने इसमें एक लेस भी लगा दिया है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये मेरा मेखला का कपड़ा है और जो मेखला का कपड़ा है ये थोड़ा सिल्क टाइप का कपड़ा है, आप लोग बोल सकते हो सिल्क मटेरियल जैसा, ठीक है। और इस टाइप का जो सिल्क का मटेरियल है ना, इस टाइप का मटेरियल में आप लोग जो नॉर्मल फैब्रिक का कलर आता है वो मत कीजिए, मैं प्रीफर करती हूँ वो नहीं करने के लिए, क्योंकि इसलिंग के ऊपर वो वाला कलर कुछ मत अच्छा नहीं लगता है। मैं ले रही हूँ स्पार्कलिंग पर्ल गोल्डन येलो कलर। देखिए, इसमें मैंने मीडियम यूज़ नहीं किया है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है। और बाजू में जो फ्लावर मैंने बना के रखा है उस पर देखिए, थोड़ा सा मैंने मीडियम यूज़ किया था, उसके लिए इसका कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, लेकिन उसमें जो थोड़ा वेट जैसा दिख रहा है वो सूख जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये देखिए मेरा मेखला का फाइनल लुक, ये है मेखला का फाइनल लुक। इसमें कलर कितना ब्राइट आ रहा है देखिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा ये मेखला चादर।
और बहुत ही सिंपल तरीके से फ्री हैंड मैंने जितना हो सके ट्राई किया बनाने के लिए, बिना स्टेंसिल, बिना कार्बन पेपर का। और आप लोगों को अगर कुछ टिप्स चाहिए कि इसको मेंटेन कैसे करना है, फैब्रिक पेंटिंग को मेंटेन कैसे करना है, कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखना है इसको, अगर उस टाइप का वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी कुछ नया क्रिएटिविटी, नया क्रिएशन के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बाय।